अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपको मैं डिफरेंट तरह के कबाब बनाना सिखाऊंगी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 किलो कीमा लिया है, ठीक है। उसको मैं इस चॉपर में अच्छी तरह एक दफ़ा से फिर बारीक कर लूँगी, ठीक है। ये बिल्कुल बाजार की तरह बनते हैं, क्योंकि इसको हम लोग जब चॉपर में करते हैं ना, तो ये उसका जायका बन जाता है। तो एक दफ़ा हम इसको चॉपर में थोड़ा सा करेंगे चॉप, एक अलग पॉट में, ठीक है। आपने थोड़ा थोड़ा कीमा लेके इसको अच्छे तरीके से इस तरह चॉप कर लेना है। ये ऑलरेडी जो कीमा होता है बारीक ही होता है, लेकिन इसको थोड़ा और करना पड़ता है, तब भी ये बाज़ार की तरह जिस तरह होते हैं ना कबाब मिलते हैं बाज़ार से, उस जैसे बनता है ये। तो अब ये लास्ट रह गया, ठीक है। अब हम लोग सारा करेंगे इसी तरह से। आपने कीमे में से अच्छी तरह से पानी निकाल लेना है, ठीक है। पानी ना हो बीच में, आपने अपना कीमा जो होगा वो किसी भी छानने में डाल के रख देना है, ताकि इसमें से पानी निकल जाए। उसके बाद आपने इस तरह इसको अच्छे से चॉप कर लेना है अगेन। तो ये देखिए, हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह से हो गया है, ठीक है, बारीक बारीक हो गया है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अनियन लिए हैं, ठीक है, जिसको मैंने दरमियान से कट कर लिया है, ठीक है। इसको भी हम लोग इसमें डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरह से ऑनियन चॉप हो गया। इसको अब हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये नहीं हुआ, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। अब हमने सारा ऑनियन जो है वो इसमें अच्छे से डाल दिया है, तो इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, जो ऑनियन आपने डाला था। तो यहाँ पे हमने ऑनियन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने जो है वो 6-7 जो है वो ग्रीन चिलीज ले ली हैं, ठीक है। इनको भी हम लोग चॉप कर लेंगे चॉपर में। साथ ही हमने एक लहसुन जो है वो इसमें डाल देना छील के। मैंने लहसुन छील लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 छोटे टुकड़े अदरक के। अब हमने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। आई गेस थोड़ा सा हम लोग यहाँ से कीमा लेके डाल देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से चॉप हो जाए। इसको ऐसे नीचे करना है, थोड़ा सा कीमा वो डाल देना है। क्या है चॉप, और हम इसको अपने कीमे में शामिल कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे इसमें कीमा डालते हैं, ताकि जो मिर्चें लगी हुई हैं वो भी सारी बाहर आ जाएं, ठीक है। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अजवाइन पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून हमारे पास इसमें सूखी धनिया जाएगी, 1 टीस्पून इसमें क्रश चिली जाएगी, इसमें 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर जाएगा। अब आपके पास अगर अनारदाना पाउडर नहीं है, तो आप अनारदाने को इस तरह लंगरी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून प्लेन फ्लावर, इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा। अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल बाजार की तरह बनता है, ठीक है। जैसे ढाबे पे नहीं हमें कबाब मिलते,
बहुत ही डिलीशियस होते हैं। और देखें आप अगर कीमे को जो है वो चॉपर में इस तरह से चॉप करेंगे, अगेन ऑलरेडी आई नो कि कीमा जो होता है वो छोटा छोटा ही होता है, लेकिन जो बाज़ार वाले होते हैं वो अगेन कीमे को दोबारा से चॉप करते हैं ताकि वो आपस में जुड़ सके। ठीक है, जो मोटा होता है ना कीमा तो वो फिर कबाब टूट जाते हैं। और इसके अलावा देखें जो इसमें मैंने मैदा ऐड किया 2 टेबल स्पून, उससे ये होगा कि वो अच्छी तरह से जुड़ेगा। और देखिए यहाँ पे मैंने अनारदाना का पाउडर और गरम सॉरी ज़ीरा पाउडर और अजवाइन पाउडर इसलिए शामिल किया है, देखिए आप पाउडर के होम में जब ऐड करेंगे ना तो उसका टेस्ट सारा चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी जगहों पे मिक्स हो जाए। तो आप अगर चाहते हैं कि नमक टेस्ट करें या मिर्च टेस्ट करें, कम ज़्यादा तो नहीं है, तो आप जो है वो थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा लेके ना फ्राई करके देख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको चीज़ें कम लगें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि हर एक का टेस्ट अपना होता है तो हर कोई अपने अकॉर्डिंगली खाता है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है हाथों की मदद से। अब आपने इसको जो है वो 1 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है। ठीक है, इसको आपने 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है और फ्रिज में रख देना है इसको। यहाँ पे 1 घंटा हो गया। ठीक है, अब हम लोग कबाब फ्राई करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने यूँ इस तरह लेना है। ठीक है, जितना आप बड़ा रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। तो इसको यूँ उंगलियों की मदद से आपने इसको ऐसे कर लेना है। तो अब हम इसको फ्राई करते जाएंगे इस तरह बना के। तो ये देखिए माशाल्लाह डिफरेंट तरह के, ठीक है, इसमें चप्पल कबाब है, गोला कबाब है और सीख कबाब है। ठीक है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।